नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक लेटेस्ट आप गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन साथ जो निकल रहे हैं आंगनबाड़ी विभाग में, तो आंगनबाड़ी विभाग में भर्ती आई हुई है, तो उसमें जो टोटल पद है वो 41,604, इसमें बहुत सारे पद दिए हुए हैं, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में चलने से पहले कृपया एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए, और साथ में बेल आइकन को दबा लेना जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ये जो भर्ती आई हुई है ये आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट में ये भर्ती आई हुई है, और इसमें जो बात करें इसका नियम जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो आंगनबाड़ी रहेगा, और टोटल जो पोस्ट है इसमें 41,604, इसमें बहुत सारी पोस्ट दी हुई है, तो इसका बारे में आप अवश्य फिर पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें ये पर्यवेक्षण के है, सोशल वर्कर का है, हेल्पर का है, और MTS का इसमें पद है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 8वीं 10वीं और 12वीं पास मांगी गई है, और जो इसकी जॉब लोकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया रहेगी, और सेंटर जो एग्जामिनेशन है वो भी आपका ऑल इंडिया रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 ईयर आपकी यदि आयु सीमा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन मोड रहेगा। फॉर्म जो स्टार्टिंग डेट है वो अभी तक नहीं हुई है, और जल्दी आपको अपडेट करवा दी जाएगी। ये एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें फॉर्म फीस बिल्कुल भरी है, जनरल OBC कैंडिडेट के लिए भी भरी है, ST PWD फीमेल सब के लिए भरी है, तो ये आप फॉर्म अवश्य भरे, और इसको जो अप्लाई है वो ऑल ओवर इंडिया की कैंडिडेट है आप तो इसको अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हो, चाहे किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो तो इसको अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसका लिखित टेस्ट और मेरिट के आधार पर होगा, और इसमें जो पे स्केल है वो भी आपको जल्द इसमें दे दिया जाएगा। ये देखिए दैनिक भास्कर न्यूज है, 41,406 आंगनबाड़ी के पदों पर होगी बहाली, यानी इस पर एक भर्ती होगी, तो इसको आपको कहाँ से अप्लाई करना है इसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।